अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन पास्ट टेंस के अकॉर्डिंगली कैसे होता है, इनके क्या क्या रूल्स हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी लर्न लैंग्वेज। दोस्तों, आज की क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन पास्ट टेंस के ऑल फोर पार्ट्स में कैसे होता है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आसान हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज फॉर पास्ट टेंस। फर्स्ट पार्ट, पास्ट सिंपल। रूल एस प्लस वी टू मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल, दे वेंट टू स्कूल यस्टरडे। शी रोट अ लेटर दैट टाइम। वी प्लेड टेनिस वेरी वेल। That team won the game, etc. Next, past continuous. Rule S plus was verb plus before. S subject, was कौन आता है? First person singular and third person singular के साथ. बाकी rest of the subjects के साथ verb आता है. Before, ing form of verb. Examples, she was playing tennis very well. They were singing song on the stage. You were doing the task very nicely. We were going to market that time, etc. Next, past perfect. Rule S plus had plus V3. Subject plus had plus verb ki third form. Example, she had played tennis very well. They had sung the song very nicely. You had completed your task by that time. We had gone to market that day. पास्ट परफेक्ट के रेफरेंस में एक बात नोटिस करना बहुत जरूरी है कि जब दो पास्ट एक्शंस हों वन आफ्टर अनदर नॉट द सेम टाइम, तब फर्स्ट पास्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा और सेकंड पास्ट एक्शन या तो पास्ट सिंपल में होगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। एग्जांपल्स, व्हेन माय फ्रेंड्स अराइव्ड आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। यानी जब मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आए उससे पहले मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेन आई हैड टेकन माई डिनर आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। मीन्स जब मैंने अपना डिनर ले लिया था तब मैं अपने गार्डन में टहल रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। यानी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी। सो प्लीज कीप इन माइंड दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एस प्लस हैड बीन प्लस वी फोर प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। एस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वी फोर आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फॉर सिंस। फॉर सिंस से रिलेटेड रूल्स हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। लाइक, फॉर तब यूज करते हैं जब एक जनरल टाइम या कैलकुलेटेड टाइम दिया हो। लाइक टू आवर्स, टू डेज, टू मंथ्स, टू आवर्स। इसमें कौन से टू आवर्स हैं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि यह थ्री टू फाइव भी हो सकता है, 4 टू 6 भी हो सकता है, 1 टू 3 भी हो सकता है, 7 टू 9 भी हो सकता है, एटसेट्रा। और 2 डेज, कोई भी 2 डेज हो सकते हैं। और सिंस, जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन क्लियर हो तब सिंस का यूज होता है। लाइक सिंस 7 o'clock, यानी 7 बजे से। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन क्लियर है। सिंस मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर है सिंस मंडे, यानी मंडे से। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। Since evening, evening से, etc. Now examples. We had been playing cricket for 2 hours or since 2 o'clock. They had been singing song since 2 o'clock या for 2 hours. We had been doing that job since Monday or for 4 days, etc. आशा करता हूँ कि अब आपका concept clear हो गया होगा कि affirmative sentences का construction पास्ट टेंस के ऑल फोर पार्ट्स में कैसे होता है। फिर भी आपके पास अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस एज पर फ्यूचर टेंस, जिसमें हम फ्यूचर टेंस के ऑल फोर पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।
बाय बाय।